में मिलावे हरि कांचन भरणी काया में। कदे न आयो संत शरण में कदे न हरि गुण गायो, बच बच मर गो बैल भैया रे हाथ कछो नहीं आयो हरि कांचन भरणी काया में। नमस्कार, मैं सृष्टि दुआर में आप सबका स्वागत है। आज मई दिवस भी है और हम दिल्ली की ओखला के पास संजय कॉलोनी में है। यहाँ पे जो दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं एक कांग्रेस गदर पार्टी से बिरजू नायक हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बिरजू नायक जी का जो मैनिफेस्टो है वो मेरे हाथ में है और इसमें बहुत सारे वादे आप लोगों ने किए हैं मजदूरों को लेकर के, मेहनत कश वर्ग को लेकर के, तो उन सारी चीज़ों पर मैं आपसे बात करूँगी। पहले हमारे दर्शकों को इतना बता दें कि जो पार्टी है कम्युनिस्ट गदर पार्टी ओरिजिनली 1913 में शुरुआत हुई थी और दिल्ली में लगभग 1980 से इसका जो ऑर्गेनाइज्ड है। हम बात करेंगे पहले आपसे कि एक कम्युनिस्ट गदर पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे आप खड़े हो रहे हैं, आपका खड़ा होना ही आपको क्यों महत्वपूर्ण लगता है? क्योंकि दिल्ली जैसी जगह पे यहाँ पे जैसे कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी तीनों पार्टियों का ही बहुत वर्चस्व है और तीनों पार्टियाँ एक स्ट्रॉन्ग पार्टियाँ हैं, कह सकते हैं मनी मसल की राजनीति भी कर रही हैं। उसमें आपको क्यों लगता है कि आपका खड़ा होना और जीतना एक महत्वपूर्ण है? तो अगर आप ओवरऑल पूरे दिल्ली में देखेंगे जो हमारा जो पूरा एरिया है और इस पूरे एरिया के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें इसका मतलब पानी है, सीवर है, रोड है, हस्पताल की ज़रूरत होती है, एजुकेशन में जो टीचर्स और इन सब चीज़ों की बहुत सारी प्रॉब्लम है। ये तो मैं बेसिक बातें कह रहा हूँ। तो ये बीते और ये जिस कॉलोनी के अंदर आप हैं ये 1977 के करीब करीब बसा है। अब 1977 से आप लगा लीजिए यहाँ तक हम ज़िंदगी भर अपना जो टंकी है टंकी धोते रहे हैं पानी। आप सोच सकते हैं कि हम 21वीं शताब्दी में हैं और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है यानी प्रतिनिधि हैं जो राजनीतिक तौर पर पार्लियामेंट में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, वो बहुत साइंस और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि हम रॉकेट उड़ाने वाले हैं और तमाम चीज़ें, पर आप इस देशवासियों को आप पीने का पानी आप दिलवा नहीं सकते। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत नाइंसाफ़ी है और ऐसे में अगर ये मसल पावर और इनका ये देख के डर के रह जाएंगे तो हमारी आवाज़ कभी भी ना ये विधानसभा में जा सकती है, ना पार्लियामेंट में जा सकती है, ना देश में कहीं सुनाई दे सकती है। इसी के लिए ये नंबर 1 इसलिए खड़े हैं। नंबर 2 है जो हमारे ओवरऑल जो पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है, आज टाटा, बिरला, अंबानी, ये जो 150 घराने हैं पूंजीपतियों के लिए, ये इन लोगों के लिए चलाई जाती है, ना कि इस देश के आवाम मजदूरों के लिए, मैं किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों की जो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चलाई जाती है। मुझे एक बात बताइए, जैसे कि आपने जैसा कि बताया कौन कौन से मुद्दे आप उठाएंगे और आपका लड़ना इसलिए महत्वपूर्ण है, मुझे दर्शकों को एक बात समझाइए कि जब भी कांग्रेस पार्टी की बात होती है तो जहन में सीपीआई या सीपीएम का बात आता है और कांग्रेस पार्टी में हमेशा एक डिबेट रहा है ज़्यादातर कि चुनावी राजनीति में भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कांग्रेस पार्टियां चुनावी राजनीति में हैं। उसके बाद भी आपको क्यों लगता है कि आप सब लोग एक साथ एकजुट होकर अगर दिल्ली जैसी जगह से या किसी भी जगह से लड़ते तो ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन क्या सीपीआई या सीपीएम या सीपीआईएम जैसी जो पार्टियाँ हैं उनसे गठबंधन की कभी कोशिश की गई इस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? मैं आपसे सीधा मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम्युनिस्ट पूरा मूवमेंट वो एक है, उसके हम हिस्से हैं। इस बतौर करीब 3 महीने पहले हम सीपीएम से मिले, सीपीआई से मिले, लिबरेशन से मिले, इवन जो और पार्टियाँ आरएसपी, फॉरवर्ड, हम सबसे मिले और हमने प्रस्ताव किया कि दिल्ली चूँकि वह राजनीति का केंद्र है, यहाँ से दिशा जाती है पूरे देश के अंदर, क्यों ना हम मिल के फाइट करें। पर उस प्रस्ताव पर बहुत ज़्यादा हमें रिस्पांस मिला नहीं, मतलब ये एक मेन चीज़ रहा है। तो इसलिए हम बेशक कम्युनिस्ट वो भी है अपने आप को कहते हैं और हम भी कम्युनिस्ट गदर पार्टी हम भी अपने आप को कहते हैं और डिफरेंसेस भी हैं, इसलिए हम अलग अलग हैं। पर हमारी कोशिश ये है कि हम कम्युनिस्ट मूवमेंट में जो चीज़ अच्छा है वो भी हमारा है, कम्युनिस्ट मूवमेंट में जो गलत हो रहा है मैं कहूँगा उसके भी हम हिस्से हैं, हम उसको अपने आप अलग नहीं कह सकते हैं। बेशक उनमें से जो 2-3 जो पार्टियां हैं तो इसका मतलब उनका जो रास्ता है मैं समझता हूँ कि वो रास्ता ठीक नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। पर हमारी कोशिश ये होती है कि हम मिल के कैसे खड़े हों। एग्ज़ाम्पल हमने प्रस्ताव किया क्या जो देश की जाने माने लड़ाकू महिला है हमारी कॉमरेड वृंदा कराड़जी, अगर वो दिल्ली से खड़ी हो, अमरजीत है, अमरजीत खड़ी हो, कॉमरेड तपन सेन खड़े हो, ऐसे ऐसे जो प्रोमिनेंट लोग हैं जो ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया जानती है। मुझे बताइए कि अगर 7 सीट पर ऐसे ऐसे लोग खड़े हों तो क्या हमारा जो कम्युनिस्ट मूवमेंट क्या आगे नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। पर मुझे नहीं समझ में आता है क्यों कर ऐसा नहीं हुआ, और जिसके लिए हम लगातार कोशिश करते रहे कि हम हर इलेक्शन में ये कोशिश करते हैं कि कम से कम विधानसभा के तौर पे हो या पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, उनमें कैसे हम मिलके एक साथ खड़े। जी, जैसे कि हम ये जगह पूरी दिखा रहे हैं अपने बच्चों को कि किस तरह से इस बस्ती में रहकर, इन कॉलोनीज में रहकर काम करना अपने आप में एक मुश्किल टास्क है। हमारी चुनावी राजनीति में जो प्रचार का तरीका है उसका भी एक पैरामीटर सेट हो चुका है, और वो हम देख रहे हैं कि यहाँ तक कि CPI भी जिस तरह से बेगूसराय में इस समय अपना कैंडिडेट कन्हैया कुमार को फील्ड किया है, तो वो भी कमोबेश तरीके से एक प्रचार का तरीका उसी डायरेक्शन में जा रहा है, जिसकी बहुत ज़्यादा बातचीत भी हो रही है, चाहे विज्ञापन देना हो या कैसे भी। आप इस जगह पे रह करके या अपनी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे प्रचार कर रहे हैं? पिछले 3 महीने से लगातार हमारा जो मैनिफेस्टो जो आपके हाथ में है, इसको घर घर में हमने पहुंचाया है। घर घर यानी बिजवासन से लेकर बदरपुर जो हमारा एंड शोर होता है वहां तक घर घर में पहुंचाया है। बाकी हम प्रचार, हमारी सुबह शाम टीम निकलती है, लोगों के घर डोर टू डोर जाते हैं, बात करते हैं, हम अपनी बात को बताते हैं, हम क्यों खड़े हैं, हम क्यों कहते हैं कि हम इन राजनीतिक पार्टियों की तरह नहीं है जो हमेशा 70 साल से विश्वासघात कर रही हैं। हम वो लोग हैं जो रियली आपकी आवाज़ को कम से कम पार्लियामेंट में उठाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, हमारे यहाँ के रमेश बिधूरी जी हैं, वो उस गांव में रहते हैं जहां आज भी टैंकर आते हैं, वहां पर पीने का पानी नहीं है इस पूरे इलाके में। तो उनका फर्ज क्या बनता है? अगर वो लोगों के प्रतिनिधि हैं, हमारे पार्लियामेंट मेंबर हैं, इसका मतलब वो बात को पार्लियामेंट में उनको उठाया जाना चाहिए ना, ताकि लोगों की समस्याओं को आप इसीलिए तो बात करते हैं, पर वो इशू उठ नहीं पाते हैं। नंबर 2, जैसे आपने कहा मेहनत कसों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, दिल्ली में आप ये मान लीजिए 90% लोगों को मिनिमम वेज नहीं मिलता है। 8,000 मिलता है, 7,000 मिलता है, 12-12 घंटे काम करते हैं चौकीदारी का, उनको मिलता है 6,000, 7,000, 8,000। पर इन इशुओं को अगर आप राजनीतिक प्रतिनिधि हैं तो आपका काम है इसको देश की जो सर्वोच्च संस्था है उसके अंदर उठाना, पर आप तो नहीं उठाते हैं इन इश्यूज़ को। तो इसका मतलब है कि एक जब लोगों को आप सांसद बनते हैं या विधायक बनते हैं, आपका काम है आपके इलाके के लोगों की समस्याओं को आप उन सर्वोच्च संस्था में उठाइए, जहां पर आप कर नहीं पा रहे हैं, लोगों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे, तो कम से कम आप उठाइए ताकि देश में दुनिया में जाने। और ये आज टॉपिक लोकसभा इलेक्शन में है नहीं कहीं पर भी। जी, जैसा कि आपने मिनिमम वेज की बात की, अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने न्याय योजना करके अपने मैनिफेस्टो में वादा किया। उन्होंने कहा है कि जो न्याय योजना है, यानी कि 72,000 गरीबी विवाह, इस तरह का नारा उन्होंने दिया है। आप इस वादे को कैसे देखते हैं? इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 15 लाख का वादा किया था, अब 72,000 का वादा हुआ है। आप इसको कैसे देखते हैं, कांग्रेस पार्टी के इस वादे को पर्टिकुलरली, क्योंकि आपने मिनिमम वेज की बात की? देखिए, अगर वो रियली कांग्रेस पार्टी गरीबों की जैसे कहा जाता है और गरीबों का गरीबी दूर करने का नारा उनका 1977 से, क्या इस देश में गरीबी ख़त्म हो पाई है? मैं नहीं समझता हूँ कि इस देश में कोई गरीबी ख़त्म हुई है। इसलिए इनके जो नारे हैं वो सब झूठे हैं। नंबर 1 के झूठे लोग हैं। इनका कोई मकसद नहीं है कि किसी को न्याय देना। उनका काम है मजदूरों और जो किसानों को लूटना और हमारे देश के टाटा, बिरला और अंबानी का जेब को भरना। अगर वो सिंसियर होते, इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी और उनके जो भी पार्टी बतौर हैं, इसका मतलब उनको चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया में आके आप उन मजदूरों का मिनिमम वेज को तो दिलाओ। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जो लोग उठाते हैं कि करप्शन जैसे इशू को, कि इसका मतलब कि अगर आपकी तनख्वाह 14,000 है 8 घंटे के लिए और मैं सिर्फ आपको 8 घंटे दे रहा हूँ और 4,000 मैं अपनी जेब में डाल रहा हूँ, तो क्या वो करप्शन नहीं है? क्या आप किसी की भी मेहनत को चुराना किसी भी तरीके से, क्या वो करप्शन नहीं है? क्या ये इश्यूज हमारे देश में कहीं उठ पाती है? इसलिए मैं नहीं समझता हूँ, जैसे आपने कहा कि वो जो 72,000 की जो बात कर रहे हैं वो लोगों को देने वाले हैं, उन वादों को पूरा करने वाले हैं। उसके लिए मैं समझता हूँ कि वो एक तरह से झूठ, सिर्फ लोगों को वोट को खींचने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, जैसे हम 70 साल से लोगों को कह रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके मैनिफेस्टो में एक खास बात मुझे देखी, किस तरह से देश में इस समय धर्मनिरपेक्षता की बस बातें की जा रही है, लेकिन असल में लोगों को सांप्रदायिक मुद्दों पे बांटा जा रहा है, जाति धर्म पे बांटा जा रहा है। आप मजदूरों में काम करते रहे, मैं पूछना चाहूँगी कि इस जाति धर्म पे बांटने के कारण जो मजदूर वर्ग की राजनीति है उसको कितना नुकसान है? जैसे आपने कहा, ये बहुत हमारा नुकसान हुआ है मजदूर वर्ग को, और इस देश में ना सिर्फ धर्म के आधार पर, इवन जाति के आधार पर बांटा जाता है, भाषाई के आधार पर बांटा जाता है, इलाका वाइज बांटा जाता है, और पूरे देश में यही खेल चल रहा है, ताकि ये वोट बैंक की राजनीति को वो कैसे पुख्ता करना चाहते हैं लोगों को आपस में बांट कर। जहाँ तक आपने कहा कि धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर, देखिए जैसे कांग्रेस को कहा जाता है, जैसे जो हमारे लेफ्ट पार्टीज़ और जो अपने आप को सेकुलर समझते हैं वो सोचते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है मोर सेकुलर और कांग्रेस जो बीजेपी है वो कम्युनल है, पर ये एक ही मतलब सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। हम भूल नहीं सकते 1984 में इसी सिख कत्लेआम ऑर्गेनाइज किया गया था, हज़ारों लोगों का कत्लेआम किया था। उस वक्त पावर में कौन थी? उस वक्त थी कांग्रेस सरकार। राजीव गांधी का वही नारा हुआ करता था, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, यह हम भूल नहीं सकते हैं। ऊपर से बीजेपी, आज जो बीजेपी है वो कांग्रेस के रास्ते पर चलकर ही तो है। 2002 का जो कत्लेआम है, जो बीजेपी ने उनके मुख्यमंत्री के काल में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं तो उन्हीं के ऑर्गेनाइज किया गया। इसका मतलब देशवासियों को ये गुमराह करना है कि इसका मतलब कि कांग्रेस सेकुलर है और बीजेपी मोर फासिस्ट या कम्युनल है। ये एक ही सिक्के के पहलू हैं। उनको जब हमारे देश के पूंजीपतियों टाटा बिरला को जब किसी को पावर में लेके आना होता है, एक को बदनाम किया जाता है और एक को जैसे हमें मालूम है कि जब नरेंद्र मोदी जी जब आए पावर में, उससे पहले मनमोहन जी को कहा क्या जाता था कि ये चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, अभी हमें बोलने वालों को लेके आना है। 36 इंच का सीने वाले को, अभी 36 इंच का इंच वाला सीना भी मतलब पर्सन भी आ गया है और बोलता भी बहुत है। तो आप कह रहे हैं कि बहुत बोलने वाला नहीं चाहिए हमें, अभी हमें कुछ और बीज बचोला हमें चाहिए। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि हमें उस पर नहीं, हम ये कोशिश गदर पार्टी कर रहे हैं कि इस देश में मजदूरों और किसानों का राज जब तक हम इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, मजदूर किसान आगे आकर अपने राज को स्थापित नहीं करेंगे, तब तक हम इन वादों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अंततः ये पूंजीपति वर्ग की ही पार्टियां हैं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, उनके भव्य ऑफिस हम देखते हैं, और यहाँ पे आपका एक छोटा सा ऑफिस है हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट गदर पार्टी का। हम यहाँ पे लोगों को अभी दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ का जो पूरा डेवलपमेंट है, 1977 के करीब कॉलोनी बसी और इतने साल बाद भी कोई विकास नहीं है। पानी की बात आप कर रहे हैं, वो हम दिखा ही सकते हैं कि जिस तरह से लोग आज भी टंकी या टैंक्स हो रहे हैं। और क्या समस्याएं हैं इस इलाके की जो आप अगर पार्लियामेंट पहुँचते हैं तो आप यहाँ की आवाज़ उठाएंगे इस कॉन्स्टिट्यूंसी की, और क्या समस्याएं आपको लगती हैं? जैसे एग्जांपल, पानी बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पर, किसी में नहीं है। दूसरी बात है, सीवर सिस्टम कहीं नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ से लेकर आप भाटी माइंस तक जाएंगे तो सीवर सिस्टम बिल्कुल नहीं है। नंबर 3, यहाँ हॉस्पिटल्स नहीं हैं। आप तेखंड से लेकर यहाँ तक की कम से कम 5-6 लाख आबादी इस एरिया में बसती है, यहाँ कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। ठीक है, जहाँ तक स्कूल और कॉलेज की बात, जो कॉलेज हैं वो पुराने मतलब पहले से इस्टेब्लिश कॉलेज हैं, नया कॉलेज इस इलाके के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से हमें नहीं मिला है। और एजुकेशन में स्तर का जो मैं स्टैंडर्ड बात रहा, स्टैंडर्ड जो एजुकेशन का लगातार सरकारी स्कूलों में गिरता जा रहा है। आप ज़रूर कवर कीजिए हमारे संजय कॉलोनी के MCD स्कूल का, आप देखिए हालत जाके, वहाँ पीने का पानी नहीं है। क्या कोई स्कूल हो सकता है जहाँ पीने का पानी ना हो? तो मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं। यूँ लगता है कभी कभी, मैं सोचता हूँ कि हम कोई विदेश से आकर बसे हुए लोग हैं क्या, जिनको हमारे साथ भेदभाव करना पड़ता है? इसी देश के लोग हैं, इसी देश के लोकतंत्र में रहते हैं, इसी देश के लोग हैं जो सरकार को चुनने का काम करते हैं, और उनकी जवाबदेही है इस देश के लोगों के प्रति, इस कॉलोनी के प्रति। वेरियस चीज़ें हैं, मैं आपको क्या क्या चीज़ में गिना सकता हूँ। तो ये हमने बिरज नायक जी से बात की है कि किस तरह से इस इलाके में जो बुनियादी मुद्दे हैं और सिर्फ इस इलाके में नहीं, जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है और या फिर यूँ कह सकते हैं जो असल भारत है वहाँ पे हर जगह पे ये समस्याएं हैं, लेकिन इनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जगह नहीं मिलती। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वही मुद्दे हैं धर्म के, जाति के, विकास के, वही नारे हैं, वही जुमले हैं। लेकिन कुछ ऐसे नेता भी हैं जो ट्रेड यूनियंस में काम करते हैं, मजदूरों के बीच में काम करते हैं, किसानों के बीच में काम करते हैं और वो इस चुनावी राजनीति में भाग भी ले रहे हैं। इसीलिए हमने आपको बिरजू नायक जी से मिलाया और बताया कि किस तरह से ये जो पार्टी है छोटे से ऑफिस से चल के और यहाँ पे जो इस कॉलोनी की जो समस्याएं हैं उन मुद्दों को देश की संसद में उठाना चाहती है। बहरहाल इसी के साथ मैं सृष्टि, द वायर में आज इतना ही। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।